अखिल भारतीय लोधी महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन डोईवाला में किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की घोषणा की गई है। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर लोधी ने कहा कि पूरे भारत में लोधी महासभा नशे के खिलाफ में महाअभियान चला रही है, साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। इससे जहां युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिल रही है, तो वहीं युवा अपने करियर को भी संवारने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड में भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। डोईवाला में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। डोईवाला से जाबेद हुसैन की रिपोर्ट। लगभग पूरे देश में हम 12 से 13% हैं, यानी कि एक सबसे बड़ी जाति इस देश की, अगर जाति का देखें तो सबसे बड़ी जाति लोधी महासभा, लोधी समाज की, जो कि एक बहुत बड़ा प्रभुत्व रखती है। और इसकी आवश्यकता ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास भूगोल को भूल चुके हैं, जिस कारण हम अपने वर्तमान जो हमारी स्थिति है उससे अवगत नहीं है। तो हमारा पहला कर्तव्य यही रहेगा, पहले हमारा प्रयास यही है कि हम अपने समाज में जागरूकता लाएं और अपने इतिहास, अपने भूगोल को बताएं और अपनी वर्तमान स्थिति बताएं कि हम वर्तमान में क्या हैं। तो लोधी महासभा का जो विस्तार किया है, इसमें जो है हमारा सबसे पहले अपने समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा और फिर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। हमारा समाज अगर पढ़ा लिखा होगा तो विकास अपने आप ऑटोमेटिक हमारे समाज का हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। और जितने भी हमारे लोग हैं पूरे प्रदेश में, हम उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। धन की जोड़ने की बहुत ज़रूरत है, और जैसे कि आज के डेट में नशे की ओर बच्चे बहुत जा रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे को नशे से दूर करें। जी, ये तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को आगे ले जाना और शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ावा देना है। और जैसे कि अभी लोधी जी ने बोला है कि 5 नवम्बर को हमारे यहाँ मतलब प्रोग्राम है, आलोक जी आएंगे, तो उसमें वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे। महिलाओं को, महिला की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि महिलाएं 33% हमें आरक्षण मिला है, तो उसका हम लाभ क्यों ना उठाएं।